हेलो भाई, मैं हूँ रवीश और हम लोग आए हैं न्यू बाइक लेने। तो पीछे आप देख सकते हैं भाई टीवीएस का शोरूम। इस शोरूम पे हम लोग न्यू बाइक की डिलीवरी लेने आए हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई कितनी देर में बाइक रेडी हो जाती है अपनी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज के लिए भाई अंदर गए हैं, वो लोग कर रहे हैं। अभी अपन चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ की बाइक्स और न्यू बाइक की डिलीवरी लेकर सीधा चलते हैं घर और आगे की प्रोसेस आपको बताते रहेंगे भाई। भाई आज पूरे शोरूम में सिर्फ हम ही लोग हैं कस्टमर। यहाँ पर टीवीएस राइडर को इन्हें हाईलाइट किया हुआ है और अपाचे आप देख सकते हैं भाई, अपाचे 160R भाई लोगों का काम चालू है। अब यहाँ पर अपाचे भाई अलग अलग कलर में है। इन्हीं बाइक्स में से भाई एक बाइक अपनी है, अब वो कौन सी है वो तो आपको काफी लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा, बाकी जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को आगे पता चल जाएगा। स्कूटी रखी हुई है, स्कूटी नहीं है, अपनी अपनी बाइक है। भाई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, लोग बैठे हैं भाई। एसेसरीज के नाम पे लोग बोल रहे हैं कि दो हेलमेट आएंगे 1800 रुपए के, और वो इस बाइक के साथ 1800 रुपए के दो हेलमेट लेना बहुत जरूरी है। तो भाई वो अपन जाके चेक करते हैं भाई कैसी क्वालिटी है उनकी। तो हेलमेट ये है जो इसमें कंपलसरी आने वाला हेलमेट है, वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। इसकी प्राइस है 875 रुपए और ये हमको अपनी जो नई बाइक है उसके साथ लेना है कंपलसरी, ये हमारी मजबूरी है, मतलब लेना ही पड़ेगा, भले इसको यूज करें या ना करें लेकिन लेना जरूरी है। ठीक है भाई ले लेते हैं। अब भाई डिलीवरी मिलने में तो काफी टाइम है, लेकिन यहाँ पर अभी मनोज भाई का इनको पे करना पड़ रहा है 875 रुपए एक्स्ट्रा जबरदस्ती के हेलमेट के लिए। बाकी हेलमेट हम लोगों ने भाई पहले ही खरीद लिया था, हेलमेट का वीडियो आपने देख ही लिया, पर मजबूरी है क्या करते। क्यों मनोज भाई, क्या बोलना चाहोगे इस विषय में? चलो भाई इसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बोलेंगे, क्योंकि अभी हम अब डिलीवरी के एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहते। बात करें अगर हमारी टाटा के जो सर्विस सेंटर की, किसी भी शोरूम की बात कर लो भाई, एटलीस्ट हीरो क्या प्लेटिना भी खरीदने जाओगे तो आपको बढ़िया सा स्वागत सत्कार होगा, चाय पानी कॉफी वगैरह दी जाएगी, लेकिन टीवीएस डिलीवरी एक्सपीरियंस लेकिन ठीक है भाई। तो वाला हेलमेट हम लेके आ चुके हैं, अब बाइक रेडी होने वाली थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। बाइक मिलने में तो अभी टाइम है, इससे पहले अपन नारियल खरीद लेते हैं, पूजा में जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा बाइक को देख लेते हैं चारों तरफ से, कोई कमी तो नहीं है इसमें। ऑन करना एक बार, चाबी ऑन करना, चल रहे हैं सारे फंक्शंस, ठीक है फंक्शन सब ओके कंडीशन में है। ठीक है अभी जा रही है बाइक डिलीवरी के लिए रेडी है, और ये ऐसा कुछ लुक है सामने से, कुछ इस तरह से भाई डिलीवरी मिल रही है हमको टीवीएस की तरफ से। Amazing. और ये है रेडी बाइक, सर फॉर्मेलिटीज तो आपने कुछ भी नहीं करवाया, केक वेक भी नहीं कटवाए, वो सर यार आपके आपकी तरफ से भी तो होता है, उसके साथ क्या है कस्टमर को थोड़ा अच्छा लगता है, वो तो लगी रहने दो, उसका क्या है। सो भाई फाइनल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, जान दे आगे, बस 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 जी। सो भाई ये था हमारा डिलीवरी एक्सपीरियंस टीवीएस के साथ, आप लोगों ने देख ही लिया। यहाँ पर बाहर ही हमने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली हैं कंप्लीट, और ये हेलमेट टीवीएस ने हमें दिया है भाई, तो इसकी क्वालिटी देखना दीपक थोड़ा सा फॉर्म वगैरह की कैसी क्या है क्वालिटी। क्वालिटी तो नॉर्मल है, कुछ अंदर से आप देखोगे, अंदर से आप देखोगे भाई थर्माकोल ही दिख रहा है पूरा, और ये यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर रखा है सारा, पर ओके है भाई। सो भाई दीपक डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बढ़िया, डिलीवरी लेते वक्त बढ़िया रहा। चलो ठीक है भाई, वीडियो देखने सब कुछ चले, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन अगेन। भाई फॉर्मेलिटीज होती है वो सब हो गया कंप्लीट, अब
करवाते टंकी फुल। नई गाड़ी लेने के बाद सबसे पहले टंकी फुल करवाते हैं।